इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप जाने अनजाने अपने मोबाइल को मोबाइल टाइम बॉम्ब बना देते हैं। तो सीखते हैं मोबाइल टाइम बॉम्ब कैसे बनाना है। देखिए ये सेटअप ध्यान से, ये सेटअप में एक मोबाइल मैंने यहाँ रखा है, एक मोबाइल ये नीचे आपको देख रहे हैं और ऊपर ये EMF टेस्टर है। अब मैं नीचे वाले फ़ोन को अगर टाइम बॉम्ब बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ोन पर मैं सिर्फ एक रिंग मारूँगा और ये मैंने फ़ोन पर रिंग मारा और आप ध्यान से देखिए फ़ोन में रिंग अब जा रहा है, वो घंटी बजेगी और घंटी बजते ही आप ये बीप देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये डेंजर जोन से ऊपर हो गया। अब अगर मैं फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ तो ये वो रेड लाइट भी ख़त्म हो गया, डेंजर जोन भी ख़त्म हो गया। यानी कि जब भी आपका फ़ोन बजता है उस वक्त इस फ़ोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके बॉडी के डेंजर जोन की बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है। कितनी बढ़ जाती है उसका एक उदाहरण के लिए, अब ये EMF टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं लेके स्विच के पास ले जाता हूँ। अब स्विच के पास लेने के बाद देखा वही हुआ कि इसमें इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ बियॉन्ड द डेंजर जोन, जितना ह्यूमन को कैंसर कर सकता है उससे ज़्यादा यहाँ भी है और उससे ज़्यादा जब ये ऑफ है तो नहीं है, लेकिन जब मोबाइल बजने लगता है तब यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ टू मच। मतलब ये अगर मुझे अपने मोबाइल को टाइम बॉम्ब बनाना है, अपनी बॉडी का नुकसान करना है, तो वो अनजाने में आप कैसे कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना करते हैं कि अपना फ़ोन आप जेब में रख लेते हैं। अब जेब में फ़ोन है और अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते में चलते हुए जेब में फ़ोन है, हालांकि फ़ोन नहीं बज रहा है, जब बजेगा तो डेंजर जोन आ जाएगा, यानी कि तब इस एरिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इस एरिया का बढ़ गया, या अगर कोई लोग जेब पॉकेट में रखते हैं तो इस एरिया में बढ़ गया, हार्ट के आसपास का, दोनों ही डेंजरस है। इस एरिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो दैट कॉजेस इनफर्टिलिटी, दैट कॉजेस इम्पोटेंसी। दो घंटा भी अगर लगातार रखेंगे और चलेंगे रास्ते में, तो अगर वाईफाई आपका ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो कोई फ़ोन नहीं भी आ रहा है तब भी इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंजर जोन से बढ़ जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखने का तरीका यह है कि दो घंटा अगर लगातार रखते हैं और रास्ते में चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तब जेब में रह जाता है, दो घंटे बाद भी आप देखेंगे दैट योर इरेक्शन, द एबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस, वो इरेक्शन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो कमज़ोर आपको दिखेगा। सो दिस मीन्स कि आपके हाथ में एक टाइम बॉम्ब है, जाने अनजाने इसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग इम्पोटेंसी, इट इज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी। और अगर आप उनमें से हैं जिसकी आदत शर्ट के जेब में रखने की है तो इट इज़ कॉजिंग पैल्पिटेशन, इट इज़ कॉजिंग हार्ट प्रॉब्लम अमंग द पेशेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल को अपने से दूर रखना है, और ये मैं ही नहीं कर रहा, मोबाइल के मैनुअल में लिखा ही होता है, लेकिन वो इतने फाइन उसमें होता है पढ़ते ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल के साथ दिया हुआ पर्चा नहीं है आपके पास बाई चांस किसी वजह से, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि bishroop.com/cellphonefever में जाइए, उसमें सारे पर्चे हैं, मोबाइल के इंस्ट्रक्शन से उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अब तक सालों साल तक आप जेब में लेके मोबाइल घूमते आए हैं, ऑलरेडी यू हैव डन द डैमेज, डैमेज हो चुका है। क्योंकि डैमेज हो चुका है तो उस डैमेज को करेक्ट कैसे करें, उसके लिए आपको अपने बॉडी को रखना है एट 0 वोल्ट। बॉडी को जब लगातार 0 वोल्टेज में रखेंगे दैट विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज़, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू कीप द बॉडी एट 0 वोल्ट, एक सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जब ज़मीन पे आप नंगे पैर चलते हैं, मिट्टी पे, सड़क पे नहीं, आप मिट्टी पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, घास में चलते हैं, प्लेग्राउंड में चलते हैं, तो भी अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख पाते हैं। लेकिन बिल्डिंग में रहते हुए कैसे अपनी बॉडी को 0 वोल्ट में करें, उसके लिए आप सीख सकते हैं 0 वोल्ट थेरेपी। और 0 वोल्ट थेरेपी सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। और आई एम वेरी होपफुल इस कोर्स के बाद यू विल बी ट्रेन्ड हाउ टू कीप योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू एट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में रहने का मतलब ये है कि जब 0 वोल्ट पे आप रहते हैं तो इस तरह का जो मोबाइल का जो असर है
वो आप पे नेग्लिजिबल होने लगता है, कम होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके बॉडी में नुकसान कर रही थी वो नुकसान मिनिमाइज होता है। जिस तरह से बारिश अगर हो और बारिश से बचने के लिए छाता हो तो मेजरली आप बच जाएंगे, थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भीगेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से आप एक इनविजिबल छाता तैयार कर सकते हैं अपने लिए, दैट मीन्स एक कवच बोल सकते हैं, जीरो वोल्ट थेरेपी बोल सकते हैं, यू कैन कीप योर बॉडी एट जीरो वोल्ट, जिससे ना केवल प्रिवेंशन होगा फ्यूचर में बल्कि जितना डैमेज अभी हो चुका है उसमें भी काफ़ी सारी रिकवरी हो सकती है। सो दिस ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, एंड आई होप विद दिस ट्रेनिंग you will be at zero volt while you are working on a laptop, while you are on the move, or while you are sleeping overnight at your home. All the best. Jai Hind. अगर आप life saving videos, health tips के regular updates चाहते हैं, हमसे WhatsApp से जुड़ना चाहते हैं, तो screen पे दिए हुए number पर WhatsApp कीजिए अपना नाम।